मैं प्रशांत सिंह ग्लोब मिल म्यूनिसिपल पैसे सेकेंडरी स्कूल से बोल रहा हूँ करके। यहाँ पे आज हम ऑनलाइन लेक्चर के लिए हैं। ये आपका आज का दूसरा क्लास है, मतलब दूसरा पीरियड चालू है यहाँ पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है त्रिभुज, चैप्टर 3 है मैथ्स 2 का। चैप्टर 3 में यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकृति प्रसंग्रह 3। प्रकृति प्रसंग्रह 3 में ये पहला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, जो हमारे प्रश्न पत्र में कैसा आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसको एमसीक्यू बोलते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन रहते हैं बराबर, लेकिन हमें ये चार ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन प्रश्न हमें ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोई भी हम लोग ए बी सी किसी पे भी आंख बंद करके टिक कर दें और हमारा आंसर राइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे समझना है कैसे हम ऑप्शन पे जाए। भले एमसीक्यू है लेकिन इसकी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आज शुरुआत करते हैं। ये देखिए प्रकृति प्रसंग 3 है, इसमें निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर में से सही उत्तर में से सही उत्तर का विकल्प चुनिए। मतलब ये प्रश्न है, इसमें चार ऑप्शन है ए बी सी डी, लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं, कोई ए पे कर दिया, कोई सी पे किया, उन्हें क्या लगता है तो बहुत सरल है। एमसीक्यू उनके मन में आता है कि बहुत सरल है, हम तो कोई भी दे देंगे। और उसमें कैसा होता है कि वो सही भी हो जाता है कभी कभी, हमें आता नहीं लेकिन एक टिक कर दिया और राइट भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, एमसीक्यू बहुत अच्छा है। इसमें अपने को क्या होता है कि हेल्प मिलता है कि चार ऑप्शन है, कहीं डाउट है तो हमें मिल जाता है। लेकिन इसे हल कैसे करेंगे, जैसे पहला सवाल है आपका किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेमी हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, नहीं होगी। जैसे मैं चार ऑप्शन दिए 3 सेमी 4.1 सेमी 3.8 सेमी 3.4 सेमी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे त्रिभुज, तो इस त्रिभुज से हमें, हमारे पास एक प्रमेय है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, अगर हम लोग त्रिभुज की आकृति बनाते हैं, यहाँ पे क्या, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, इस प्रमेय का हमें उपयोग करना है। त्रिभुज की तीन भुजाओं का, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और इनका क्या गुणधर्म है, क्योंकि इस पाठ में हमें सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, उनके सारे गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। नहीं तो हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार, हाँ भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, हाँ कोण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। लेकिन इस पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के और भी गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर तो क्या है, हमारे पास 5 और 1.5 सेमी है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा कि तीसरी भुजा की लंबाई नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे और उसका मान तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। तो देखेंगे सबसे बड़ी भुजा 5 और 1.5 लेंगे और इस चारों को अगर हम लोग लेंगे तो 5 सबसे बड़ी है। तो कहने का मतलब हमें 1.5 लेना होगा और 1.5 में हमें हर भुजा को जोड़ना होगा कि उसका मान 5 से ज्यादा अगर नहीं होता है तो वही भुजा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे अगर हमने 3.7 को जोड़ा यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो देखो ये दशमलव का जोड़ है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, 7, 5, 12 एक यहाँ पर हासिल दशमलव, 3, 1, 4, 1, 5 तो 5.2 हो गया। मतलब अगर ये दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा होगा, तो मतलब ये भुजा हो सकता है, क्योंकि जो हमारा प्रमेय था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो ये है। लेकिन हमारा यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 4.1 लेंगे, 1.5 और 4.1 में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 5, 1, 6 दशमलव के नीचे दशमलव और 4, 1, 5, 6 5.6। तो इसका भी मान क्या हो गया हमारे, ये 5 से बड़ा हो गया, मतलब यह भी त्रिभुज की भुजा हो सकती है। फिर हम लोग इस तरह से तीसरे पे जाएंगे 3.8, वन पॉइंट फाइव में 3.8 को जोड़ेंगे तो 8 में 5 जोड़ेंगे 13
एक हासिल, दशमलव के नीचे दशमलव, तीन एक चार और एक पांच, तो इसका भी मान 5.3 है। इसका मतलब यह भी भुजा होगी, क्योंकि हमारा जो प्रमेय था त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। लेकिन इसीलिए मैंने पहले बड़ी भुजा को अलग कर दिया कि अगर बाकी दो को जोड़ने पे इससे ज्यादा हुआ तो वह उत्तर हमारा होगा, तो यह भी इसकी भुजा होगी। अभी लास्ट ऑप्शन आता आपका 3.4, तो 1.5 में अगर 3.4 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 5.49.314। तो इन दोनों को जोड़ने पर 3.44 जोड़ने पर हमारा उत्तर 4.9 आता है, मतलब ये 5 से छोटा है। तो इसका मतलब यह त्रिभुज की भुजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो प्रमेय था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से वह बड़ी होगी, तो इसके आधार पर यह हमारा उत्तर नहीं होगा, तो यह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे 3.4 सेमी। तो बच्चों ये समझ में आया सबको आपको कि इसमें 3.4 क्यों आ रहा है? हमें ऐसे ही नहीं टिक करना है, उसका उपयोग करना है। तो यहाँ पर जो हमारा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरे से बड़ी होती है, लेकिन सवाल में नहीं होगी है, इसलिए हम वह उत्तर को ढूंढेंगे जिसको जोड़ने पर सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी उत्तर थे नंबर थे उसमें सबसे बड़ा ये है, तो हमने इसको बड़ी भुजा मान लिया। तो बाकी दो को जोड़ेंगे, अगर वह इससे बड़ी हो गई तो वह भुजा है, नहीं तो बाकी नहीं है। क्लियर? तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो वहां पे आप 3.4 सेंटीमीटर पे टिक लगा सकते हैं। नोटबुक होगा तो खाली आंसर लिख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको यहां पर बाद में से आप समझ के लिख लीजिएगा 3.4 सेमी। क्लियर? अभी हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, क्योंकि क्या है कि ये पूरा नीचे तक आपको दिखेगा नहीं बड़ा। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, इसका उत्तर 3.4 सेमी मैंने बताया आपको। क्लियर? आपका दूसरा सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो मैं यहां पे सवाल लिख दे रहा हूं, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण आर बड़ा है कोण क्यू, तो डैश होगी। अभी यहां पे हमें चार ऑप्शन दिया है। पहला, क्यू आर बड़ा है पी आर से। दूसरा, पी क्यू बड़ा है पी आर से। तीसरा, पी क्यू बड़ा है, सॉरी, पी क्यू छोटा है पी आर से, बड़ा नहीं छोटा है। चौथा, क्यू आर छोटा है पी आर से। अब देखिए यहां पे त्रिभुज का हमारा दूसरा गुणधर्म लगेगा। क्या दिया? एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया, तो सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए आसानी होगी। पी क्यू आर ये त्रिभुज है आपका। अभी हमें जो जानकारी दिया है कि कोण आर बड़ा है क्यू से, तो मैं क्या है, ये आर बड़ा है तो इस आर को मैं एक मान दे देता हूं। समझो ये कोण आर का मान आपके सामने मैंने 70 अंश बताया और कोण क्यू का मान हमने लिया 40 अंश। हमने इसलिए कोण को नंबर लिया यहाँ पे, मान इसलिए लिया कि समझने में आसानी होगी कौन बड़ा है, क्योंकि अब नंबर से मालूम पड़ जा रहा है ना कि कोण आर बड़ा है, क्योंकि इसका माप है 70 अंश और इसका माप है 40 अंश, ये हमने माना।
और यहाँ पे त्रिभुज का कौन सा प्रमेय लगेगा कि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की जो कोण बड़ा होगा, त्रिभुज का जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। अगर एक कोण आर है तो आर के सामने की भुजा देखिए पी क्यू है, देखिए ना कोण है इसके सामने की भुजा पी क्यू है। तो यहाँ पर कोण आर बड़ा है तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया 70 अंश, बड़ा है 40 अंश से। मैंने आपको पहले बताया था ये माप दिया नहीं, लेकिन इसे हमने माना है आपको समझाने के लिए। अगर 70 अंश बड़ा है तो इसके सामने कौन सा भुजा है, पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे। 40 अंश क्यू है तो इसके सामने की भुजा देखिए एकदम सीधा दिख रहा है, इसके सामने पी से लेके आर तक इस तरह कोण है, इसके सामने जो मुंह होता है तो ये इसकी भुजा हो गई पी आर। तो अगर कोण बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा भी बड़ी हो जाएगी। तो देख रहे हैं ये आपको समझने में कितनी आसानी हो गई कि अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, और अगर भुजा बड़ी है तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। अगर भुजा बड़ी है तो कोण बड़ा होगा, कोण बड़ा है तो भुजा भी बड़ी होगी। तो अभी ये देखिए ये मेरा उत्तर आ रहा है, अब मैं अपने ऑप्शन को देखूंगा, यहाँ पे क्या दिया है क्यू आर बड़ा है पी आर से, उत्तर नहीं मिल रहा है। दूसरा पी क्यू बड़ा है पी आर से, यस, तो ये उत्तर हमारा राइट होगा। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू बड़ा है पी आर से। तो इस तरह से हमने अपने उत्तर को यहाँ पे पहचान लिया, ऐसा नहीं कि हम गेस करके जाएं कि कोई भी बड़ा छोटा है, बराबर। हमने देखो कोण का नाम इससे नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते बच्चे, देखो दोनों कोण और ये थोड़ा बड़ा और छोटे के चिन्ह सेम है, इसलिए मैंने इसको मान से आपको समझाया है। तो यहाँ पे ये सिर्फ पहला में ऑप्शन है, बाकी सी और डी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया, बहुत सरल है कि जो त्रिभुज बड़ा होगा, त्रिभुज की भुजा बड़ी होगी तो कोण बड़ा होगा, और त्रिभुज में कोई भी अगर एक कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होती है, बराबर। तो यहाँ पर इस प्रमेय का हमने उपयोग किया है, क्लियर हुआ सबको। तो यहाँ पे आप जो उत्तर है B1 PQ बड़ा है PR कैसे है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसे आप अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए, या कहीं पे नोटबुक होगा तो वहां पे खाली नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, और आपका उत्तर है PQ बड़ा PR। क्योंकि MCQ क्वेश्चन में अगर कहीं होता है तो हमें दिखाना होता, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं है। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं 3 नंबर पे। पहले का तीसरा सवाल है ये हमारा वैकल्पिक प्रश्न में, इसमें दिया है त्रिभुज TPQ, त्रिभुज TPQ में कोण T का मान 65 65 अंश, कोण P का मान 95। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला PQ छोटा है TP से, दूसरा
क्यू छोटा है, पी क्यू छोटा है टी से। तीसरा पी क्यू छोटा है टीपी, छोटा है पी क्यू। चौथा पी क्यू छोटा है टीपी, छोटा है टी क्यू। देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा सवाल पे हम आ गए हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का पीपी क्यू त्रिभुज है, तो ये पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, पी पी क्यू। कभी भी हमें मैथ्स टू में जो भी आकृति के प्रश्न होते हैं, जैसे त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, पहले उसकी आकृति बना लेते हैं, तो हमें समझने में आसानी होती है। त्रिभुज टीपीक्यू में कोण टी का मान 65 अंश है, तो ये देखिए कोण टी है, इसको मैंने 65 अंश दे दिया। दूसरा कोण पी का मान 95, कोण क्यू का मान दिया नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण पहले हम क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जब हमें तीनों कोणों का मान ज्ञात होगा तब हम उसके भुजाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि हमें जो ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें सब भुजाओं का वर्णन किया है, मतलब भुजाओं के बारे में बताया, छोटा और बड़ा। तो जब हमें कोण मालूम होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तभी हम ये लगा सकते हैं ना कि अगर त्रिभुज का जो भी कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी वही बड़ी होगी, सम्मुख भुजा बड़ी होगी। तो पहले कोण क्यू का मान ज्ञात करेंगे, तो कोण क्यू का मान हम लोग 180 में से घटा देंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, 65 प्लस 95, 180 अंश माइनस 5 और 5 10, 9 और 6 15 और 1 16। अगर आप चाहिए तो ऊर्ध्वाधर भी जोड़ सकते हैं या डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, इकाई को इकाई से 5 और 5 10, हासिल 1 याद रखिएगा, 9 और 6 15 और 1 16। तो 180 में से 160 गया, तो आपका उत्तर आ जाता है कितना, 20। तो इस तरह से Q का मान कितना हो गया, 20 अंश। अब यहाँ पे हमें त्रिभुज के तीनों कोण के माप मालूम हो गए, लेकिन यहाँ पे हमें जो भुजा दिया है वो छोटे से बड़ा है, क्योंकि देखिए ना ये जो ऐसे निशान रहते हैं इसमें जो खुला रहता है वो बड़ा है, और जो जिस तरफ दोनों मिला है वो छोटा है, छोटे से के बड़े के क्रम में है। तो हम भी क्या करते हैं, कोण को छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें कोण बी का मान 120 अंश आ गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग छोटा कोण लिखेंगे 20। अब 20 से बड़ा कोण कौन है, 65, उससे बड़ा कौन है, 95। तो इस तरह से हमने छोटे से बड़े के क्रम में कोण लिख दिया। मैं यहाँ पे कोण का माप लिखा हूं, कोण का नाम नहीं लिखा हूं, नहीं तो क्या होता है कोण और ये जो चिन्ह है ना दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने खाली कोण का माप लिखा है। अब 20 अंश कोण है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई, पीटी, चिन्ह वही रहेगा। अभी 65 के सामने की भुजा देखिए कौन सी है, पी क्यू, सीधा दिख रहा है ना, ऐसा भुजा ऐसा बड़ा है, इसके सामने की भुजा पी क्यू छोटा है, 95। इसके सामने की भुजा देखिए टी क्यू, कितना आसान है ना, पहले आपने क्या किया कोण को छोटे से बड़े के क्रम में लिख दिया, फिर उसके सामने की भुजा भी उसी तरह से लगा दिया। कोण छोटा है तो भुजा भी छोटी होगी, कोण बड़ा है तो भुजा बड़ी होगी, सीधी सी बात है, यही हमारा इस त्रिभुज में प्रमेय है। अब देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, अब देखते हैं कि ये ऑप्शन जो हमारा उत्तर है इसमें से कौन सही है। देखिए पी क्यू छोटा है टीपी से, बट पी क्यू तो यहाँ पी टी से बड़ा है, तो ये नहीं होगा, सीधी सी बात है। PQ छोटा है TQ से,
तो देखिए PQ छोटा है TQ से, तो ये जानकारी हमारी सही मिल रही है, तो ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन चाहिए तो हम और भी जांच कर लेते हैं कि कोई और भी ऑप्शन हो सकता है क्या। तो देखिए TQ छोटा है TP से, लेकिन TQ यहाँ पे TP से बड़ा है। देखिए PT और TP मतलब सेम है, हमारे ये Math 2 में क्या होता है, अल्फाबेट TP लो या PT लो सेम होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। PQ छोटा है TP से, लेकिन PQ यहाँ PT से बड़ा हो गया, तो कहने का मतलब हमारा उत्तर सेकेंड आएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा, PQ छोटा है TQ से, तो ये हमारा उत्तर हो गया, PQ छोटा है TQ से, राइट। तो ये बहुत सरल है MCQ क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले हमें क्या होता है, एक रफ आकृति बनाकर उसे वहां पे हमें पहले जांच करना है, उसे ज्ञात करना है कि उसका सही उत्तर क्या है, उसके बाद हम वहां पर टिक लगाएंगे या रिक्त स्थान है तो वहां पर भरेंगे। क्लियर। तो ये आपका ये बहुवैकल्पिक प्लस कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी को मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा, उसके बाद सिपा उठा के देता हूँ। सर प्रसंग कौन सा है? प्रसंग 3 है बेटा, प्रसंग 3। 3.1 नहीं, प्रकृति प्रसंग 3 है, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 प्रकृति प्रसंग 3। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया है समद्विबाहु त्रिभुज में, देखिए ये हमें सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबीसी में AB और AC बराबर है, ये जानकारी हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे आकृति बनाएंगे, ABC, इसमें हमें क्या दिया है, AB और AC दोनों बराबर है, AB और AC बराबर दिया गया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है कि कोई भी दो भुजा बराबर होती है, उसके दो कोण भी सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं, और BD तथा CE दो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं BD और CE। तो यहाँ पे हम दत्त लिख देंगे, यहाँ पे हमें जानकारी क्या है, दत्त मतलब हमें सवाल में दिया रहता है, हमें सीधा वही लिखना रहता है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और BD तथा DE दो माध्यिकाएं हैं। ये हमारा दत्त है, जानकारी जो दिया है, और साध्य में जो सिद्ध करना है वह है BD बराबर CE। हमें जो जानकारी दिया है ये मतलब एक तरह से पूरा सवाल हो गया, सवाल से हमें क्या करना है, जो प्रश्न है उससे हमें जानकारी लिखना, जिसे दत्त जो सिद्ध करना है। साथ यहाँ पर आकृति दिया नहीं गया, हम आकृति बनाएंगे त्रिभुज ABC। क्लियर। अभी हमें देखो इसका मतलब क्या होता है, समद्विबाहु मतलब यहाँ पे हमें दो, ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ पर देखिए इसे अगर मैं दोनों को, ये दोनों भुजा बराबर है, पूरा भुजा बराबर है, एक जानकारी है, और इसमें क्या है, BDC माध्यिका है, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जो बिंदु मिलाता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब यह दोनों भुजा क्या हो गई, मतलब ये बिंदु D जो है AC को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, इससे दोनों को समान भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों का मान बराबर होगा। इसी तरह से CE भी माध्यिका है AB की,
ई भी क्या कर रहा है, ए बी को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया ये, क्योंकि ऑलरेडी ये ए बी और ए सी बराबर थे, तो अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो इसका आधा भी बराबर हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसलिए चिन्ह द्वारा दर्शाया है कि पहले पूरा ए बी और ए सी बराबर है, फिर उसका आधा पार्ट, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और हमें सिद्ध करना है कि बी डी, ये वाली बी डी और सी हमें सिद्ध करना है क्यों बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों त्रिभुज को अलग करना होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए अलग कर रहा हूं इसे, ए डी और बी, ये ऊपर का त्रिभुज है ना, ए डी बी, इसको मैंने अलग कर दिया है। अब ये त्रिभुज देखिए ए ई सी, इसे मैं अलग कर रहा हूं, ए ई सी। देखो मेन हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए पहले हमें लिखना नहीं, पहले इसे हमें आकृति में समझना होगा कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज अलग अलग बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग सर्वांगसम करेंगे, क्योंकि त्रिभुज में हमने पढ़ा था ना, त्रिभुज दो त्रिभुज को कैसे सर्वांगसम करते हैं, उसकी चार कसौटियां हैं, भू को भू, को भू को, और भू भू भू, और यहाँ पे कर्ण भुजा प्रमेय। तो ये चार कसौटी के आधार पे हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो कैसे सर्वांगसम होंगे, देखिए अभी एडी को मैंने बाहर निकाला, देखिए ये आपको समझाने के लिए ये आकृति को मैंने इसमें से दो पार्ट अलग किए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, उसी डायरेक्शन में। देखिए अब देखिए एडी और एई बराबर है, तो देखिए उसको बराबर कर दिया, एबी और एसी, देखिए एबी और बीसी हमें जानकारी में ही दिया कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, एबी और यहाँ पे बीसी, तो ए बी ये हो गया हमारा, ए डी ई और बी ई सी। तो यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पे ई ले लेते हैं करके, और ये बी, तो बी ई सी ये हमारा बराबर हो गया। तो बी ई सी, तो जिसमें देखिए ए बी बराबर हो गया बी सी के, चाहे तो इसे एक से दर्शा देते हैं, ए बी सी और बी सी। और यहां पे एक मिनट, शायद हमें क्वेश्चन में ए बी बराबर ए सी करना था, हमने बी सी लिख दिया, तो यहाँ पे आपको ए बी बराबर ए सी है, राइट, हमें ये सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी हमें दिया गया है, सिद्ध है, मतलब ए बी बराबर ए सी जो मैंने पहले बताया था, तो ये हमारी पहली वाली ही आकृति सही है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, ए और यहाँ पर ई, एक्चुअली यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था बी सी, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन। तो देखिए ए बी और ए सी बराबर है, तो यहाँ पे ए डी और ए ई बराबर हो गया, और फिर हमारा ए बी और ए सी ये बराबर हो गया, और कोण ए और ये कोण दोनों सर्वांगसम है। ये हमें क्यों है, क्योंकि दोनों सामान्य कोण है ना, दोनों के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी से दोनों सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों कोण्स, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीडी और सी भी सर्वांगसम हो जाएगा, बीडी और क्या हो जाएगा, सी भी सर्वांगसम हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हम उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एडी बराबर आधा हाफ एसी। कारण क्या है यहाँ पे हमें, क्योंकि ये इसके माध्यिकाएं हैं, तो ये दिया गया है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु डी एसी का मध्य बिंदु है, या जानकारी लिख सकते हैं दत्त, मतलब दिया गया है, इसे नंबर एक। दूसरा यहाँ पर ए, क्योंकि जो ए है ई, क्योंकि सी माध्यिका है, तो ए जो होगा हाफ होगा ए बी का, ए बी क्या हो गया हमें दत्त दिया गया है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमें माध्यिका है, या ई ए बी का मध्य बिंदु है, सभी हम लोग लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे ए सी और ए बी, ये दोनों में बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे
ए बी बराबर ए सी, ए बी क्या है दत्त, ये तीन नंबर देंगे। अब आप देखेंगे इसका दाहिना भाग अगर बराबर है तो इसका मतलब बायां भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया हमें कि एडी बराबर क्या हो गया एई। इसको नंबर चार देंगे और इसका रीजन क्या रहेगा, कथन एक दो व तीन से, क्या रीजन रहेगा, कथन एक दो व तीन से, क्योंकि जब हमें दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करना होगा तो यही हमें पहचानना है कि ये इसके अंदर छिपा हुआ था, तो AD और AE को हमने सर्वांग सम बताया। बाकी तो दो जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है ही है कि AB बराबर EC, सॉरी AB बराबर AC और कोण A बराबर कोण A, ये सर्वांग सम दिया गया है। अब लोग हम लेंगे क्या त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ADB में, ADB तथा AEC में, ADB तथा AEC में हम लोग सबसे पहले जो हमें जानकारी दिया गया था वो लिख लेंगे, AD बराबर है AE, ये लिखेंगे कथन चार से, क्योंकि हमें कहां से मालूम पड़ा AD AE, AD बराबर AE। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोण, कोण A सर्वांगसम, यहाँ पे सर्वांगसम देंगे या बराबर, तो कोण A सर्वांगसम कोण A, कारण क्या होगा सामान्य कोण, सामान्य कोण मतलब कॉमन है, दोनों कॉमन इंग्लिश वर्ड है, सामान्य मतलब दोनों में है। तीसरा हो गया हमें ए बी सर्वांगसम, यहाँ पे ए बी है, ये सर्वांगसम किसके हो गया ए सी के, ये हमें क्या दिया है यहाँ पे दत्त। तो इस तरह से ये त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज AEC, कारण क्या रहेगा भू को भू मतलब भुजा कोण भुजा कसौटी से दोनों सर्वांगसम हो गए, भू को भू कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज अगर हमारे सर्वांगसम हो गए तो अभी हमें जो प्रूफ करना था सिद्ध करना था क्या BD सर्वांगसम EC, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर डायरेक्टली, देखिए BD और EC, तो BD सर्वांगसम या यहाँ पे बराबर भी लगा सकते हैं CE, कारण क्या हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत संगत भुजा। तो इस तरह से ये हमारा ये सिद्ध हो गया। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूं, बहुत सरल है ये, दत्त है, हमें क्या जानकारी दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर ए सी, और इसमें B से D ये माध्यिका है, C से E माध्यिका है, यहाँ पर माध्यिका का मतलब कि D AC का मध्य बिंदु है, ये दोनों को समान भागों में विभाजित किया, C माध्यिका है, दोनों को समान भागों में विभाजित किया, हमें सिद्ध करना है BD और CE बराबर है। तो उत्पत्ति में हम लोग लेंगे सबसे पहले AD आधा है AC हाफ दत्त, AE हाफ AB दत्त कथन दो, तो इस आधार पे हमें देखेंगे AB और AC ये बराबर है दत्त तीन क्योंकि दिया गया है, तो अगर ये हमारा दायां तरफ बराबर है तो इसका आधा भी बराबर होगा और इसके सामने लेफ्ट हैंड साइड वो भी बराबर हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AD बराबर AE कथन एक दो व तीन से, इसका नंबर दे देंगे चार। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करना है, इसके लिए मैंने एक रफ आकृति बनाई आपको समझाने के लिए, इसमें से दो त्रिभुज निकाला ADB और AEC, तो हमने यहाँ पर AD और AE को सर्वांगसम किया है, कोण ये सामान्य कोण है जो दोनों में है, और AB और AC ये दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है, ये भी हमें जानकारी दिया है क्योंकि दोनों समद्विबाहु हैं, तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया
ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे भू को भू कसौटी से। तो यहाँ पे पहले जानकारी हमने ले लिया क्योंकि ये यहाँ पे छिपा हुआ था, तो इसे हमने पहले हल किया। फिर दोनों त्रिभुज लेंगे और फिर से उसके गुणधर्म है जो सर्वांगसम होने के, उसे बताएंगे कौन से पॉइंट, मतलब किसके आधार पे हमने उसे सर्वांगसम किया है। ए डी सर्वांगसम ए ई कथन चार से, यहाँ से दोनों बराबर हैं। और कोण ए सर्वांगसम कोण ए क्योंकि ये सामान्य कोण है, और ए बी और ए सी सर्वांगसम है क्योंकि हमें दिया गया है। तो इस आधार पर ये दोनों त्रिभुज ए डी बी और ए ई सी सर्वांगसम हो गए भू को भू कसौटी से। मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास चार कसौटी है सर्वांगसम होने के लिए, तो भू को भू कसौटी से सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भुजाएं भी सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज के कुल छह घटक होते हैं, तीन भुजा और तीन कोण, टोटल छह घटक में सर्वांगसम होने के लिए हमें तीन घटक की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी पहले त्रिभुज का तीन घटक दूसरे त्रिभुज के तीन घटक से सर्वांगसम हो जाएगा तो वह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, उसकी कसौटी है। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके बाकी जो बचे घटक हैं वह भी सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा। क्लियर? तो इसे आप लिख लेंगे, बहुत ही सरल है। सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले हम लोग। हाँ ले लो बेटा, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया। तो इसे बाद में आप देख के लिख सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे रब करने जा रहा हूँ क्योंकि हम अगले सवाल पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर तीन पे। हो गया सर? ठीक है, चलेगा। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा करके। यस सर। हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। हाँ, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, और सर लोग बोलने मत चाहिए, यहाँ पे भी ये भी हमें सिद्ध करना है। तो मैं सवाल को नहीं लिख रहा हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर में बड़ा है पी आर से, तो पहले इसमें आकृति दिया है, पी क्यू आर, यहाँ पे कोण क्यू और आर का समद्विभाजक, ये समान भागों में क्योंकि यहाँ पे हमें आकृति ऑलरेडी दिया गया है। हमें जानकारी क्या है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें भुजा बड़ी है। यहाँ पे क्या दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, मैं जानकारी लिख दे रहा हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बड़ा है पी आर से, यह जानकारी है, तथा कोण क्यू तथा कोण आर के समद्विभाजक बिंदु एस पर प्रच्छेदित करते हैं। साध्य में जो सिद्ध करना है, एस क्यू बड़ा है एस आर से। अब यहां पर देखिए छोटा और बड़ा है, तो समझ जाइए हमें कौन सा प्रमेय का उपयोग करना है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं में, अगर हमें त्रिभुज दिया है इसमें जो भी भुजाएं हैं
जो बड़ी भुजा होगी तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा, और अगर जो कोण छोटा होगा तो उसके सामने की भुजा भी छोटी होगी। तो हमें सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बड़ा है पी आर से पहली जानकारी है। कोण क्यू तथा कोण आर का ये समद्विभाजक है। क्या है यहाँ पे? कोण आर और क्यू का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि कोण क्यू को दो समान भागों में बांटा है, इसलिए देखिए इसको मैंने जीरो जीरो से मतलब डॉट लगाया है। समझिए अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, ये 40 अंश है तो दूसरा भी 40 होगा। ये दोनों बराबर नहीं है, ये अलग है, ये आपस इसके अंदर जो दोनों कोण है ये दोनों बराबर है। इस समद्विभाजक का मतलब ये होता है यह दोनों कोण बराबर है, इसे कहते हैं समद्विभाजक। तो सबसे पहले हम लोग उपपत्ति आकृति दिया है, लेकिन फिर भी आकृति हमें यहाँ पे बना लेंगे क्योंकि हमें, क्योंकि ये क्या हल करते समय हमें जो अल्फाबेट होता है बेटा वही अल्फाबेट का हमें उपयोग करना होता है, क्योंकि अगर अल्फाबेट आपने चेंज कर दिया तो इस पूरा सवाल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो दत्त है ये प्रश्न में से आप ढूंढ लिख लेंगे, जो जानकारी दिया है उसे सीधा लिखना है। साध्य मतलब जो हमसे प्रश्न पूछा है जैसे लिखा है वहां पे, सिद्ध कीजिए मतलब वो साध्य हो गया, और उपपत्ति अब लोग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे करना है। देखिए हमें एस क्यू आर, क्योंकि एस क्यू बड़ा है एस आर से, मतलब हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब छोटे वाले त्रिभुज में तो ना हमें भुजा का पता है ना कोण का पता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पी क्यू और पी आर का दिया है जानकारी। तो हम इस जानकारी के आधार पर यहाँ पर आएंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो सबसे पहले देखिए इस कोण को समद्विभाजित करना है, तो हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट एस क्यू आर, बराबर एक बटे दो कोण यहाँ पर क्यू का है, ये पूरे कोण क्यू का समद्विभाजक है, तो हम लोग लिखेंगे कोण क्यू। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नंबर एक, क्योंकि हमें दिया ना क्यू तथा आर के समद्विभाजक बिंदु यस पर प्रच्छेदित करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दत्त, या आप पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं कि किरण क्यू एस कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है। अगर आप वहां तक नहीं लिख पा रहे तो ये मतलब दिया है जानकारी। इसी आधार पर कोण एस आर क्यू सेकेंड है, कोण एस आर क्यू एक बटे दो कोण आर, ये जानकारी हमें क्या है नंबर दो, ये भी हमें दत्त है। दत्त मतलब एस आर कोण पी आर क्यू को समद्विभाजित करता है, तो हमें दो जानकारी मिल गई है। अब तीसरा यहाँ पे हम लोग जाएंगे कि पी क्यू, अब हम लोग आते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में। इस त्रिभुज में हमें क्या जानकारी दिया है कि पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो लिखेंगे पहला पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो यहाँ पे दत्त, क्योंकि ये जानकारी हमको दिया गया है। अगर पी क्यू बड़ा है पी आर से तो पी क्यू के सामने का कोण कौन है, आर, कोण आर बड़ा है कोण पी आर के सामने कौन सा है, देखिए ये भुजा के सामने का कोण कौन सा है क्यू, देखिए ये भुजा है पी आर, इसके सामने कोण क्यू, कोण क्यू इसका नंबर दे देंगे तीन, और कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ी भुजा के कोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। यह आपका प्रमेय है, त्रिभुज में बड़ी भुजा है उसका सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब सामने, पी आर के सामने क्यू, तो ये भुजा बड़ी है तो कोण बड़ा होगा। ये भुजा पी आर का सम्मुख कोण ये क्यू है, और पी क्यू के सामने का कोण क्या है आर है,
बराबर। तो ये यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे कोड आर बड़ा हो गया क्यू से। अब देखिए ये आर क्यू, मैंने इसीलिए इसको शॉर्ट में नाम दिया आर क्यू। तो अगर आर बड़ा है तो डेफिनेटली इसका आधा मतलब एस आर क्यू भी बड़ा हो जाएगा। अगर इसका बायां, ये देखिए दाहिना हाथ ये बायां, तो अगर दाहिना भाग बड़ा है तो बायां भी क्या हो जाएगा, भाग बड़ा हो जाएगा। हाफ है यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर बड़ा कोण बड़ा है तो उसका आधा भी बड़ा हो जाएगा। अगर समझो ये 100 अंश है, ये 80 अंश है, तो 100 का आधा 50, 80 का आधा 40, तो इसका मतलब तो भी 50 बड़ा है ना 40 से, तो अगर कोण बड़ा होगा तो उसका आधा भी बड़ा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये कोण क्या हो जाएगा, एस आर क्यू बड़ा है एस क्यू आर से, एस क्यू आर से कोण एस आर क्यू, ये बड़ा का चिन्ह है, ये कोण का चिन्ह है एस क्यू आर। इसमें रीजन लिख देंगे 1, 2 व 3 से, इसका रीजन क्या हो जाएगा 1, 2 व 3 से। अब एस आर क्यू बड़ा हो गया। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे एस क्यू आर में। क्या होता है कि जब, क्योंकि ये त्रिभुज में तो बड़ा त्रिभुज भी छोटा है, तो हम लोग किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उस पहला वो लिखेंगे, तो हमें आसानी होती है। अब हम लोग बात करें छोटे वाले त्रिभुज में, क्यों, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है एस क्यू। तो एस क्यू आर में हमें यहाँ पे जानकारी पहले मिल गई कि एस आर क्यू कोण बड़ा है। हाँ बोलिए। क्लास कब खत्म होगा? बस अभी 40 पे खत्म होगा बेटा, ठीक है सर। यहाँ पे एस क्यू आर में आप देखेंगे कि एस क्यू बड़ा है, यहाँ पे एस आर क्यू, तो कोण एस आर क्यू बड़ा है कोण एस क्यू आर, ये हमें यहाँ से मिल गया है। हम चाहिए तो इसका नंबर हम लोग यहाँ पे 4 दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कथन 4 से। क्या होता है ये लिखने से 1, 2, 3, 4 जब आप पढ़ते हो ना तो आपको आसानी होती है, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ लेकिन उस समय ध्यान से उतर जाता है, तो आपको मालूम पड़ता है कथन 1 कहाँ पे इसका उपयोग हुआ है, कारण क्या है उसको बराबर होने के लिए, क्योंकि अल्फाबेट है ना, हमें ध्यान में नहीं रहता है। और ये सारे अल्फाबेट हम लोग यहाँ पे आकृति में से देखते हैं। अगर ये एस आर क्यू बड़ा हो गया तो एस आर क्यू की भुजा क्या हो गई एस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो गया एस क्यू बड़ा है, यहाँ पे क्या हो गई एस आर, क्योंकि कोण एस क्यू आर, ये देखिए छोटा वाला कोण के सामने एस आर है, तो एस आर। और यही हमें सिद्ध करना है कि एस क्यू बड़ा है एस आर से, क्योंकि यहाँ पे एस क्यू क्यों बड़ा है, क्योंकि एस आर क्यू कोण बड़ा है। तो अगर इसका उल्टा जाएंगे, क्योंकि ये कोण बड़ा है इसके लिए इसके सम्मुख भुजा भी बड़ी हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, अगर बड़ा कोण है तो उसकी सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। तो इस आधार पर आपका ये सिद्ध हो गया है, आप इसे देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है सर? सर एक बार इसे समझाइए। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुने आप, बस मैं बोल रहा हूँ एक बार। सर इसे लिखना है? हाँ इसे लिखना है। अब या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आप देख के लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट हाँ, एक बार ले लीजिए तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। त्रिभुज, बस अब मैं समझा रहा हूँ, बोलिए मत। त्रिभुज पी क्यू आर में हमें जानकारी क्या दिया है, पहला कि पी क्यू बड़ा है किससे, कोण पी आर से। गूगल वाले हमें सिद्ध करना है छोटा एस क्यू बड़ा है एस आर से सिद्ध करना है। और हमें ये क्या दिया है कि ये जो एस है क्यू एस और एस आर, ये कोण को समय विभाजित कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, कोण एस क्यू आर, यह कोण इस कोण का आधा है 1/2 क्यू, क्यू क्योंकि 10 है, पहला पॉइंट। दूसरा एस आर क्यू छोटा वाला, ये कोण
पूरे कोण का आधा है, कोण आर का आधा है, दो पॉइंट हो गया। छोटा कोण पूरे कोण क्यू का आधा है, ये छोटा वाला आर कोण एस आर क्यू पूरे कोण का आधा है। अब आते हैं हम लोग बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें जानकारी क्या दिया है, पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो वो जानकारी लिख लेंगे दत्त, क्योंकि दिया गया है। अगर ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने का कोण बड़ा होगा, तो ये कोण आर बड़ा है कोण क्यू से। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। क्लियर, ये तीन हो गया नंबर अपना। अब एक कोण अगर बड़ा हो गया, ध्यान से देखो, तो इसका रिलेशन अब पहले और दो में करेंगे कि अगर ये आर बड़ा है क्यू से, तो इसके सामने आर के सामने कौन सा कोण है, एस आर क्यू, तो यह भी बड़ा हो जाएगा एस क्यू आर से, कथन एक दो व तीन से, नंबर चार हो गया। अब आते हैं त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में एस क्यू आर में हमें ये जानकारी पहले ही मिल चुकी है कि एस आर क्यू बड़ा हो गया एस क्यू आर से, जिसको हमने कथन चार लिखा है। तो अगर ये आर बड़ा है तो इसके सामने का भुजा भी बड़ा हो जाएगा, कोण आर बड़ा है तो उसके सामने की भुजा मतलब एस क्यू बड़ा हो जाएगा किसके, एस आर के, तो एस क्यू बड़ा हो जाएगा एस आर के। बहुत ही सिंपल है। अगर एकदम शॉर्ट में जाएंगे, आर बड़ा है क्यू से, क्योंकि पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो आर बड़ा हो जाएगा क्यू से, आर का आधा ये है तो इसका मतलब जो आधा आर है वो बड़ा हो जाएगा आधा क्यू से, और जब आधा आर बड़ा हो जाएगा तो इसके मतलब इसकी सम्मुख भुजा बड़ी हो जाएगी एस आर से, और यही हमें सिद्ध करना है। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, हाँ आज का कंप्लीट हुआ प्रसंग, प्रकृति प्रसंग तीन, क्वेश्चन नंबर एक दो और वह तीन, बराबर आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। डाउट है किसी को, डाउट है सर, पेज नंबर कितने हैं? पेज नंबर 49 है बेटा, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 का। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया है। Oh,